Yes, students, in this chapter, outcomes of democracy, till now we have discussed merits and demerits of democracy, then how it accommodates social diversities, how democracy provides dignity to self-respect to women or all the citizens, harmonious developments. ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं दैट वी हैव फिनिश्ड एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स वी हैव गिवन, इवन यस्टरडे आई हैव डिस्कस विद यू हाउ डेमोक्रेसी हैज टू पास डिफरेंट टेस्ट अगेन एंड अगेन. इट प्रोड्यूसेस, इट पासेस टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस अनदर. और हाउ यू कैन से दैट कंप्लेंट्स आर द टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. कि जब लोग कंप्लेंट्स करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इट मीन्स वो लीडर्स को या जिनको उन्होंने चुन के भेजा है उनके काम को वैल्यूएट कर रहे हैं. ठीक है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हैं, अपने वोट की वैल्यू जानते हैं. सो दैट्स व्हाई ऐसी कंट्री जहाँ पे सिटीजन्स अवेयर होते हैं वो सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि सिटीजन्स कहलाते हैं. इट मीन्स वो अपने लीडर्स को प्रॉपरली जो है वो उनके वर्क को प्रॉपरली चैलेंज कर रहे हैं और उनके जो लीडर्स हैं वो उनके लिए आंसरेबल हैं. और ऐसी कंट्री में अगर कोई भी लॉ पास होता है और वो लोगों को एप्लीकेबल नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो पीपल दे कैन प्रोटेस्ट एंड दे कैन स्टार्ट मूवमेंट्स, दे कैन स्टार्ट रैलीज, एंड थ्रू दिस दे कैन पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू चेंज दोज पॉलिसीज. दिस शोज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दोज कंट्रीज. सो इटसेल्फ वी कैन से दैट टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ. ये प्रूफ करता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रही है उन कंट्रीज. ठीक है, सो अब इसके अकॉर्डिंग सेम हमने आगे ऐसी ही स्टेटमेंट्स करनी है. तो होल चैप्टर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू मीनिंग. ठीक है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. हाउ डू वी असेस डेमोक्रेटिक आउटकम्स, हम अपने डेमोक्रेटिक के आउटकम्स को कैसे असेस कर सकते हैं. तो इसमें हमने सारा पॉजिटिव बताना है कि डेमोक्रेसी के क्या क्या पॉजिटिव हैं. ठीक है, इस फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी इज गुड इज प्रिंसिपल. ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है. ठीक है, हारमोनियस डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक जो है इक्वलिटीज प्रोवाइड करती है, बेटर देन एनी अदर फॉर्म, अल्टरनेट से बेटर है. ठीक है, और इसमें जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सोशल डाइवर्सिटीज अकोमोडेट किया जाता है. तो ये सारा पॉजिटिव बताना है. ठीक है, और इसके बाद हमने थ्री वर्ड्स किए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी है. लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करती है, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन गिवन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अब अलग अलग स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर हमने इनको एनालाइज करना है. लाइक देयर इज अ ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. हाउ यू कैन से दैट, जस्ट एक लाइन है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट. Overwhelming support for democracy in the world. ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी को जो है वो आगे से आगे सपोर्ट किया जा रहा है. Overwhelming support for democracy. Why? तो ये पॉजिटिव है. ठीक है, इसमें हमने क्या बताना है, दैट डेमोक्रेटिक जो आइडियाज हैं, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, ऑल आर सपोर्टिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, साउथ एशिया. मीन्स आगे से आगे जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक होती जा रही है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी पूरे हमारे वर्ल्ड में देखा जाए तो मोस्टली कंट्रीज, पहले कंट्रीज जो थी वो मनार्की सिस्टम होता था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता था, बट नाउ एट प्रेजेंट कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक. कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक बनती जा रही है. हाँ जी मिष्ठी एंड अरमान, यस बेटा, कीप योर माइक ऑन. Yes, any doubt beta? Arman, haan ji. Ma'am, waiting room mein. Yes, Arman. Ma'am, waiting room mein Jay aur Sahansh the. Wait, Arman ji.
Yes, those who are joining late, try to log in exact at 10:45. Yes, so overwhelming support for democracy का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के सपोर्ट के लिए आगे से आगे जो है वो कंट्रीज दे आर टर्निंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज. इसमें हमने क्या बताना है, फीचर्स बताने हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज के. तो फीचर्स में क्या बताएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्यों लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी अपनी है, दे आर इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स में आपने क्या क्या हिंट्स बताने हैं, तो दैट आई एम टेलिंग यू. डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट आगे से आगे कंट्रीज में बढ़ रहा है बिकॉज लोगों को ये लगता है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, बिकॉज दीज आर इलेक्टेड बाय देम. लेकिन मोनार्की सिस्टम में, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता था, तो इसलिए आगे से आगे लोग डेमोक्रेसी को आगे फेवर कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेटिक और मोनार्की जैसी गवर्नमेंट को डिनाई किया जा रहा है. ठीक है, साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनी, उन्होंने डेमोक्रेटिक मॉडल को अडॉप्ट किया. ठीक है, देन नंबर टू, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. इसका मतलब क्या है कि पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज फॉर देम. फिर आप ये बता सकते हो कि इफ पीपल वांट टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दे हैव द फुल राइट टू चेंज एंड इन दिस वे द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल. तो दिस मेक गवर्नमेंट आंसरेबल, ये गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाती है. सो दैट्स व्हाई पीपल इन द वर्ल्ड दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक आइडियाज. ठीक है, देन थर्ड सेम पॉजिटिव बताओगे, सोशल डाइवर्सिटी इज अकोमोडेट करती है, अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज. डेमोक्रेसी को क्यों फेवर किया जा रहा है, क्योंकि ये सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट कर रही है, मेन और वेमेन के बीच में या फिर रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको रिमूव किया जा रहा है. पॉजिटिव बताना है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में या कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो आगे विमेन और मैन को इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी लेकर आई है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में. और ऐसी सोसाइटी जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो काफी हद तक रिमूव कर लिए जाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे से आगे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, देन इसके बाद और आपने क्या बताना, दैट डिग्निटी, सेम सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, फोर्थ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट टू ऑल द सिटीजंस. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही लोगों को राइट्स, डिग्निटी उनकी मेंटेन होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होती है, जो कि किसी और कंट्री में नहीं होता. और अगर ये सब कुछ होगा तो उस कंट्री में क्या होगा, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. हार्मोनियस का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट. ठीक है, ऐसी कंट्री जहां पे लोगों के राइट्स, उनकी वैल्यू होगी, लोगों की वैल्यू होगी, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिग्निटी मेंटेन होगी, तो हार्मोनियस डेवलपमेंट होगी. हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल. ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई दिस इज अ रीजन व्हाई वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं आगे से आगे डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है. ओवरवेलमिंग सपोर्ट का मतलब क्या है कि आगे से आगे कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो जस्ट इस तरह से अगर स्टेटमेंट आती है तो सेम आपने पॉजिटिव सारे पॉइंट्स बताने हैं. सेम फीचर्स, यानी कि एक क्वेश्चन बेस क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो फीचर्स का, तो इस तरह से कोई भी जो है वो आपको स्टेटमेंट आए तो उसमें आप ऐसे पॉइंट्स बता सकते हो. तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को समझ के आपको समझना, मतलब आंसर देना पड़ता है. लाइक अब सपोज अगर ये स्टेटमेंट है लाइक डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल, इज गुड इन प्रिंसिपल. ठीक है, कहने को प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के ठीक है, बट नॉट गुड इन प्रैक्टिस. जस्टिफाई सेम, अगर ऐसी स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही क्या है, क्या बताना इसमें आप, व्हाट यू विल टेल, रेज योर हैंड.
डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि थ्योरेटिकल ठीक है, प्रैक्टिकल जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इट्स नॉट यू कैन से 100% सक्सेसफुल. तो व्हाट इज इंक्लूडेड, क्या है इसमें हिडन, क्या है, आपने क्या एक्सप्लेन करना, क्या आप इसमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताओगे? रेज योर हैंड्स. हाँ जी अर्शीन, यस, कीप माइक ऑन. मैम इसके अंदर सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएंगे. स्टेटमेंट को पढ़ के, डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल. कई कंट्रीज कहती हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, प्रिंसिपल्स मतलब ठीक है, थ्योरेटिकल्स बातें सब अच्छी हैं कि ये होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, प्रैक्टिस की बात आती है, तो कहीं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई है. फिर हमने वही सेम प्रॉब्लम्स बतानी है, जैसे हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को या गवर्नमेंट को या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारा हमने बता देना. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बता दो, ठीक है, तो ये सारा आपने नेगेटिव इसमें बताना है. लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखा जाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग. ऐसी कंट्री जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, डिले हो जाता है. जैसे बिल पास करना है, कभी एक हाउस में जाएगा, कभी दूसरे हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, कई बार बिल पास भी नहीं होता, और कई बार बिल पास हो भी जाता है उसके बाद भी वो जिनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए उनके लिए नहीं होता. लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, रैलीज करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, टाइम टेकिंग, ठीक है. तो इसका मतलब है कहने को लोगों की गवर्नमेंट है, लेकिन जब रूल्स एंड रेगुलेशंस या नए लॉ बनते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है, और जो लॉज की जरूरत है जिस टाइम पे सोसाइटी में होती है उस टाइम पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जिसके कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है. देन मेजोरिटी, अगेन कहने को तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसी कंट्रीज जहां पे मेजोरिटी होती है, जैसे श्रीलंका, ठीक है, मेजोरिटी क्या करती है, ओवर रूल करती है माइनॉरिटी को. कहने को तो श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां पर भी मेजोरिटी ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म 1956 में सिन्हाला एक्ट बनाया. कहने को श्रीलंका डेमोक्रेटिक है, लेकिन इन कंट्रीज में मेजोरिटी ने ओवरऑल किया माइनॉरिटीज को, और माइनॉरिटीज को स्नब किया. तमिल्स ने सिविल वॉर, ऐसी कंट्रीज में फिर सिविल वॉर आती है जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है. और क्या होता है, करप्शन देखा जाए, इंडिया जैसी कंट्री में करप्शन लार्ज स्केल पे है, रेड टेपिज्म है, नेपोटिज्म है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्राइबरी दी जाती है, स्कैम्स हैं, घोटाले हैं जिसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व किए जाते हैं या इन्वॉल्व पाए जाते हैं. इनकम टैक्स की रेट जब किसी मिनिस्टर के घर में होती है तो करोड़ रुपीज मिलते हैं. ये जब आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हाँ जी किसी मिनिस्टर के बाथरूम से मिला, टाइल से मिला, सीलिंग से मिला, तो ये क्या है, दैट इज द यू कैन से अनसक्सेसफुल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते तो शायद ऐसा ना होता. इसका मतलब क्या है, करप्शन रेड टेपिज्म जो है वो डेमोक्रेसीज में पाया जाता है, और काम करवाने के लिए आपको ब्राइब देनी पड़ती है बॉटम से लेकर हायर लेवल तक, ठीक है. अगर आपकी अप्रोच है तो आप जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसके कारण हमारी कंट्री का यूथ जो है वो इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट अर्निंग हियर. सो आगे से आगे जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स, यानी कि देखा जाए प्रिंसिपल्स तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इज जो आंसरेबल, कहने को तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट आंसरेबल है, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट आंसरेबल जब उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो उनके पास डेटाज तो होते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, ब्रिजेस के ऊपर इतना खर्च किया है, लेकिन ब्रिजेस में जो मटेरियल होता है दैट इज नॉट प्रॉपर. इट मीन्स नो डाउट गवर्नमेंट इज आंसरेबल, गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड विद देयर डेटाज. जिस टाइम पर हमें आप लोकसभा में देखते हो मिनिस्टर्स आंसर दे रहे होते हैं, उनके पास जो पेज होता है वो प्री प्रिपेयर्ड होते हैं. प्रिपेयर्ड का मतलब होता है उनके पास पहले से ही डाटा होता है सर. लेकिन एग्जैक्टली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो जितने भी ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, इनकी कंडीशंस आप देखो, है ना, नो डाउट खर्चा करती है गवर्नमेंट, लेकिन जो मटेरियल उसके ऊपर लगाया जाता है दैट इज नॉट अप टू द मार्क. तो डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट नो डाउट लॉन्च करती है, लेकिन उनको एक्चुअली जब बनाया जाता है, उन बिल्डिंग्स को बनाया जाता है, जो उसमें मटेरियल लगाया जाता है दैट इज नॉट प्रॉपर, ठीक है. तो आप जितने भी ऐसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो मटेरियल लगाया जाता है वो प्रॉपर नहीं होता. कहने को तो गवर्नमेंट आंसरेबल है, लेकिन
गवर्नमेंट प्री प्रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, उनके पास ऑलरेडी सारा डाटा होता है, और जब लोग सुनते हैं लोगों को लगता है कि हाँ जी कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। देन डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब कुछ ही लीडर्स डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो सिर्फ कुछ ही लीडर जो है वो डोमिनेंट हैं, बाकी जो कॉमन पीपल हैं या और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है वो कहने को एग्जैक्टली दैट इज वेरी गुड, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, ठीक है, अनइक्वल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, तो ये सारा आपने नेगेटिव बताना है कि नॉट इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, ठीक है, तो ये आपने नेगेटिव बताना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, जो स्टेटमेंट है इसके बेसिस के ऊपर, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, हाँ जी ये भी आपके बुक में से एक लाइन है, ठीक है, पैराग्राफ्स में एक लाइन गिवन है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, हाँ जी रेज योर हैंड्स। यस रेज योर हैंड्स, टेल मी इसमें क्या बताओगे आप, जस्टिफाई डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, जस्टिफाई विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स। हाँ जी ये प्रेज है या इसका जो है वो नेगेटिव बताना है, डीमेरिट्स हैं, सिंपल बताओ मेरिट्स हैं कि डीमेरिट्स हैं। हाँ जी प्रभगुन कीप योर माइक ऑन। मैम इसमें डीमेरिट्स आएंगे, हम लोग इसको डिक्टेटरशिप वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि लिए यहाँ पे रूल का इंस्टेबिलिटी है एंड वहाँ पे एक ही रूलर रहते हैं तो वो रूल स्टेबल भी होता है। लेस इफेक्टिव तो इसमें नेगेटिव बताएंगे, है ना, बस क्वेश्चन को देखकर आपने देखना है, पॉइंट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे लिखा है इट प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव होती जा रही है, क्यों, रीजन क्या है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक से, कि ये एक तरह से डिफरेंस है बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो हम ये बताएंगे कि डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट है वो लेस इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन मेकिंग, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही डिसीजन जो है वो लेट लिया जाएगा। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे ऑल द पावर्स आर इन सिंगल हैंड एंड इन वन हैंड, जैसे दुबई या सऊदी अरेबियन जैसी कंट्रीज है, वहां पे कुछ ही ग्रुप है जिनके पास पावर्स है, वहां पे असेंबलीज की वो लोग केयर नहीं करते, बिल्स पास करने में इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी से लॉ बन जाते हैं और लॉ बनते भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनको रूल आप देखोगे दुबई के जो लॉज हैं या फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हमारे ही इंडियन जाके वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट इफेक्टिव है। डेमोक्रेसी में लेस इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे नंबर वन सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले इन डिसीजन है, ठीक है, वही आ गया डिले इन डिसीजन मेकिंग, देन टाइम टेकिंग है, टाइम बहुत लगता है, and rules and regulations are not implemented strictly, rules जो है वो strict नहीं है। अगर government ही strict नहीं होगी, suppose आप red light cross कर रहे हो, आपको डर ही नहीं है, आपने red light cross कर लिया, आपको पहले तो आपको ही डर दिए और उसके बाद अगर आपने cross कर लिया आपको रोकने वाला कोई नहीं, और अगर आपको रोक भी लिया तो वो जस्ट आपसे आप उनको मनी देकर 500 की अगर रुपीज देकर आपको ये लगेगा कि हाँ जी हम इसको मनी देकर आगे जा सकते हैं, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ऐसा आप फॉरेन कंट्रीज में नहीं सोच सकते क्योंकि पहले तो वहाँ पे जो लॉज बनाए गए हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन और आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप उनको ब्रेक करते हो तो आपको हैवी फाइन इम्पोज करना पड़ेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना फॉरेन कंट्रीज में एक तरह से क्राइम माना जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पे लोगों का एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव होती जा रही है क्योंकि एक तो डिले बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और ऊपर से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो नहीं है।
देन इलेक्शंस, कहने को तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, लेकिन इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव हैं, एक्सपेंसिव इलेक्शंस, ठीक है। और मनी एंड मसल पावर, देखा जाए तो मनी एंड मसल पावर का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। रिसेंटली अगर टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में आप देखोगे, न्यूज जिसमें आप देख रहे हो कि आए दिन जो है वो मिनिस्टर्स इन ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है उन्होंने इन लीडर्स के घर में जो है वो रेड की और मनी मिला है, तो अल्टीमेटली ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी जो है वो इलेक्शंस में ज्यादा यूज की जाती है। अथॉरिटीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होल्ड होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में इनको मनी डोनेट करती हैं, फंड, पार्टी फंड के नाम पर इनको मनी दिया जाता है, लेकिन बाद में जब ये पार्टीज जीत जाती हैं तो ये पार्टीज उन्हीं के सेल्फिश मोटिव्स को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। रिलीजियस कॉम्युनल वायलेंस इलेक्शंस के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा होता है, वायलेंट एक्टिविटीज वो होती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो लोग भी हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। नो डाउट हम कहते हैं कि लोग अवेयर हैं, लेकिन अभी भी इलिटरेट वोटर्स जो हैं हमारी कंट्री में, उनको नहीं पता कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, तो वो ऑटोमेटिकली दे विल इलेक्ट रॉन्ग लीडर्स, और रॉन्ग लीडर्स को इलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव होगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो 66% टर्नआउट है हमारी कंट्री में अभी भी, 66% टर्नआउट का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोटिंग करने जाते ही नहीं है, उनके लिए वोटिंग जो है डजंट मेक डिफरेंस फॉर देम, और इसीलिए जब लोग वोट करने नहीं जाएंगे तो पूरी पॉपुलेशन की जो बिल है नहीं पता लगेगी, और नहीं पता लगेगी तो ऑटोमेटिकली उनको ही चुना जाएगा जो लेस इफेक्टिव होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स दे सकते हो, नेगेटिव आपने बताना है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है। रीजन क्या है, डिलेड डिसीजन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते हैं, ना लोग फॉलो करते हैं और ना जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो भी इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। इलेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं, इलेक्शंस के टाइम पीरियड में कॉम्युनल वायलेंस या रिलीजियस इशूज, कास्ट एंड कम्युनिटी को मेन देखा जाता है, ठीक है। इलेक्शंस के टाइम पीरियड में मनी जो है वो मिसयूज होता है उसका, इलिटरेट वोटर्स हैं, ठीक है, वो अवेयर नहीं है, बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी पार्टी है, वो सिंबल देखकर या मनी देखकर वो वोट कर आते हैं और उसके बाद नेक्स्ट 5 साल के लिए वो भूल जाते हैं और ना ही अवेयर है, और इस तरह से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट या किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेस इफेक्टिव होती जा रही है। एग्जाम्पल है आपके सामने, इंडिया का एग्जाम्पल है, श्रीलंका का देखो, वो भी लेस इफेक्टिव है, वो भी प्रॉपरली इफेक्ट नहीं हो पाया। जिन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है उन कंट्रीज में 100% डेमोक्रेसी अचीव नहीं हो पाई। कहने को चाइना भी डेमोक्रेटिक है लेकिन चाइना में 1-पार्टी नेशन है, तो वहां पे भी प्रॉपर लोगों को जो है वो चॉइस नहीं है, सिर्फ 1-पार्टी सिस्टम है वहां पे, ठीक है। और एक पार्टी होगी तो एक पार्टी के डिक्टेटर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच शोज दैट डेमोक्रेसी इज लेस इफेक्टिव, ठीक है। तो ये खुद देखकर ही पता होना चाहिए कि आपको कि किस तरह से आपने पॉइंट्स आपने बताने हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये लाइंस हैं, ठीक है। कोई भी लाइन आए बस लाइन को समझ के आपने उसका आंसर देना है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेगोशिएशन, बेस्ड ऑन एंड डिलिब्रेशन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन नेगोसिएशन एंड डेलिब्रेशन। इसमें हमने बताना है नेगोसिएशन का मतलब और डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कि डिक्टेटरशिप में या मोनार्की में नेगोसिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही नेगोसिएशन पॉसिबल है। नेगोसिएशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। सपोज हम लोग हैं, हम किसी भी पार्टी को चुन रहे हैं, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। डेमोक्रेसी से आपने याद होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, में रूसो ने क्या कहा था, डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट जो है क्या होती है, गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इफ रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट यू कैन से परफॉर्म गुड फॉर द पीपल, देन पीपल हैव द पावर टू चेंज, ठीक है। तो इसमें हमने मेन बताना है पब्लिक ओपिनियन
जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन. नेगोशिएशन मोनार्की में पॉसिबल नहीं है, ऑटोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है. नेगोशिएशन का मतलब होता है वी हैव द पावर टू चेंज द रिप्रेजेंटेटिव. नेगोशिएशन हम नेगोशिएट करते हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ. 5 साल के लिए इनको चुनते हैं और अगर वो नहीं अच्छा करेंगे तो हम उनको चेंज कर सकते हैं. तो डू यू थिंक, अब इसमें क्या बताओगे आप, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी, रेज योर हैंड्स. हाँ जी अर्शीन. मैम ये तो फिर पॉजिटिव हो गई ना. ये पॉजिटिव होगा, वेरी गुड. तो पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव वे से हमने बताना है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशन. पहले तो अब ये बताओगे डेमोक्रेसी का मीनिंग. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले तो जहाँ पे आपने डेमोक्रेसी पढ़ लिया ना वहां पे आपने एक लाइन मतलब इंट्रोडक्शन पॉइंट नहीं इंट्रोडक्शन तो आपका डेमोक्रेसी का मीनिंग ही आएगा. डेमो का मतलब होता है पीपल. क्रेसी वर्ड लिया गया है क्रेशिया, ग्रीक वर्ड है. क्रेशिया का मतलब होता है गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ रूल ऑफ द पीपल या गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन दे दो, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये आपकी डेफिनेशन आ गई. उसके बाद फिर हमने बताना है दैट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस एंड डेलिब्रेशंस. यस वी एग्रीड. उसके बाद फिर अपने पॉइंट शुरू करो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, क्योंकि 5 मार्क्स का सपोज ये क्वेश्चन. अब आपने जितने भी पॉइंट्स आपने बताने हैं उसमें आपका ये वर्ड जस्टिफाई करना चाहिए कि यस आपने बताना है. नंबर वन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन में सबसे पहले वर्ड जो आएगा वो आएगा पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उन्हीं में ही पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती है. ठीक है, इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन एंड द यू कैन से the aspirations of the people, expectations of the people, ठीक है, opinion जो है, public opinion जो है, उसको that is given importance, but not in other countries like non-democratic and किसी भी तरह से कह लो dictatorship कह लो या monarchy, ठीक है. इसका मतलब क्या है? public opinion को importance दी जाती है. public opinion का मतलब होता है लोग जो चाहते हैं, लोगों की जो राय होती है. ठीक है, number two, second फिर हमने ये बताना है that democratic government जो होती है इसमें नेगोशिएशन का मतलब क्या है? वट एवर द गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस इट विल बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेट ऑफ गवर्नमेंट दे हैव टू फॉलो सेट ऑफ सम नॉर्म्स. नॉर्म्स मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो डेमोक्रेसी होती है ये गवर्नमेंट जो है पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी अपने आप नहीं करती. वट एवर द गवर्नमेंट विल टेक डिसीजंस दीज डिसीजंस विल बी अकॉर्डिंग टू सम नॉर्म्स, some set of guidelines written in the constitution. तो ये आ गया legitimate. कहीं ना कहीं ये word है legitimate government. According to law, ठीक है, यानी कि government जो भी decisions लेती है, जो भी rules and regulations हैं, वो legitimate होते हैं, according to law होते हैं. तो government अपनी मर्जी से कोई भी rules and regulations implement नहीं कर सकती. जो constitution में लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है. तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो वही पॉलिसीज बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न हो. ठीक है, उसके बाद सेम अकाउंटेबल वर्ड ले लो, वही आ गया अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबल मींस आंसरेबल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है. फिर सारा प्रोसीजर बता दो अकाउंटेबल का. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? In the democratic elections, people elect their representatives and these representatives are answerable to the people. They are accountable to the people. If this democratic government will not work according to the constitution, then people, they have the power to change. ठीक है, next elections में उनको change कर देंगे. Negotiation का मतलब क्या होता है? Suppose if the laws are not suitable to the people, then people, they have the power to change. ठीक है, फिर fourth बताओ. कैसे लोग चेंज कर सकते हैं? बाय पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट्स. ये तो आपके सामने पता ही है, थ्री फार्म बिल्स का पूरा एग्जांपल है आपके सामने. थ्रू रैलीज, डिबेट, डिस्कशन, पब्लिक एक्सप्रेशन, टेलीविजन, मीडिया, न्यूज़पेपर, कुछ भी बताओ इसमें. द पीपल दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन
they can express themselves through movements, participating in the movements, participating in the rallies, debate, in discussion in the television, then media, newspaper ke articles. By any means, they can express themselves freely. They are free to express themselves if they are not liking the rules and regulations of the government. ठीक है, means आपने बताना है right. और क्या है negotiation, right, RTI, right to information, transparency. इसमें बताओ transparency means सारे features positive आएंगे इसमें. That in democratic form of government, people they have power to take any kind of information regarding any department. Right to information is given to them. Government is transparent. Transparency का मतलब क्या होता है कि लोग किसी भी तरह से किसी भी department के regarding कोई भी information ले सकते हैं. This make democratic government more answerable. Negotiation, deliberation का मतलब क्या होता है कि अगर लोगों को लगता है कि government उनके लिए नहीं कर रही है, government उनके लिए काम नहीं कर रही है, तो नेगोशिएशन का मतलब दे कैन चेंज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. एंड लगातार 5 साल तक मिनिस्टर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है और उनको लोगों की एस्पिरेशंस या लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसीज बनानी पड़ती है. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दे कैन बी चेंज, दे कैन बी एलिमिनेट, उनको हटा दिया जाए. तो ये आपके सामने ही है कि इलेक्शंस के टाइम पीरियड में किस तरह से लोगों के पास पावर आती है और उस टाइम पीरियड में सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है, लोगों के पास, कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉजिटिव बताना है इसमें आपने. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट इज, अब देखो क्वेश्चन क्या है. Now the statement is, economic growth rate in dictatorship is better than democratic. Economic growth rate is better in डिक्टेटरशिप. ये क्या है, टेल मी. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेटिक, हाउ? इसमें कंपैरिजन आ जाएगा इंडिया एंड दुबई जैसी कंट्रीज. तो ये क्या बताओगे, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, यस, इसमें नेगेटिव आएगा बेटा. ठीक है, नेगेटिव आएगा इंडिया और दुबई का एग्जांपल. ठीक है, इसमें मुझे बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुबई जैसी कंट्रीज में रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है पर इंडिया में नहीं है, तो ये नेगेटिव माना जाएगा. क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड बेटा, टाइम इज ओवर.